हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबी 44 अपडेट के बाद सीएस रैंक का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। और आपको तो पता है कि ओबी 44 अपडेट के बाद 7 कैरेक्टर की एबिलिटी में एडजस्टमेंट किया गया है। तो इसीलिए गाइस, मैं आपको इस अपडेट के बाद न्यू कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जो आपको कोई भी मैच विन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे प्लेयर का तासुया फेवरेट कैरेक्टर होगा, लेकिन गाइस उसकी एबिलिटी चेंज होने के बाद अब से आपको उसका यूज नहीं करना है। और मुझे पता है कि आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग तासुया का यूज करके ही, क्योंकि तासुया में केवल उसका टाइम टेकिंग को बढ़ाया गया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ गाइस कि आपको तासुया का यूज नहीं करना है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो गाइस आप लोग तासुया का ही यूज करो, नहीं तो जो मैं आपको एक्टिव कैरेक्टर बताऊंगा और जिसकी एबिलिटी अभी 44 के बाद बहुत ज्यादा बफ की गई है, आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज इस कॉम्बिनेशन में मैं आपको जो भी कैरेक्टर रखने के लिए बोलूंगा उसकी एबिलिटी गाइज इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो गाइज आप सबको अपने एक्टिव स्किल में रखना है सैंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी को। और गाइज सैंटिनो की एबिलिटी ओबी 44 अपडेट के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज की गई है, बहुत ज्यादा। तो गाइज मैं आपको सिंपली सैंटिनो की एबिलिटी ओबी 44 अपडेट के बाद वाली बता रहा हूं। तो गाइज सैंटिनो की एबिलिटी ओबी 44 अपडेट के बाद है कि जब आप लोग इसकी एबिलिटी को लेकर गेम में आओगे और गाइज जैसे आप लोग इसकी एबिलिटी को ऑन करोगे तो गाइज एक मेनिक्विन निकलता है और गाइज ये मेनिक्विन 25 सेकंड तक ट्रेवल करते रहता है। और गाइस ये पहले 12 सेकंड तक ट्रेवल करता था अभी 44 अपडेट के पहले। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि इस अपडेट के बाद सैंटिनो की एबिलिटी दोगुनी इंक्रीज की गई है, दोगुनी। और गाइस अभी सैंटिनो की एबिलिटी में एक और इंक्रीजेबल अपडेट हुआ है। और गाइस उस 25 सेकंड में आप लोग 2 टाइम खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हो, लेकिन गाइस सैंटिनो का जो कूल डाउन टाइम है वो गाइस बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। तो गाइस इसका कूल डाउन पहले 75 सेकंड था, लेकिन अब से इसका कूल डाउन टाइम 60 सेकंड हो गया है। तो गाइस अब से इसकी एबिलिटी जानने के बाद की इधर बढ़ सकते हैं। और गाइस आप लोग बहुत तसुवा कर रहे हो, तो गाइस आप लोग तसुवा की एबिलिटी भी जान लो। तो गाइस तसुवा की एबिलिटी आप लोग एक बार फुल चार्ज, मतलब गाइस 2 बार पूरा फुल चार्ज करने के बाद आप लोग इसका यूज कर सकते हो, लेकिन जो इसकी एबिलिटी में नर्फ किया गया है वो गाइस बहुत प्लेयर को नाराज करता है। तो गाइस इस अपडेट में तसुवा का जो कूल डाउन टाइम है वो गाइस बढ़ा दिया गया है। तो पहले तसुवा का कूल डाउन टाइम 45 सेकंड था, लेकिन अब से इसकी एबिलिटी का कूल डाउन हो जाएगा 60 सेकंड। और गाइस अब शायद आप लोग तसुवा की एबिलिटी सीएस रैंक में 3 से 4 बार यूज कर सकते हो, और पहले आप लोग तसुवा की 5 से 6 बार यूज करते थे, लेकिन अब केवल 3 से 4 बार यूज कर सकते हो, क्योंकि सीएस राउंड का एक भी राउंड स्टार्ट होने के बाद आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाता है, और क्योंकि जोन भी श्रिंक करते रहता है और शॉर्ट रेंज की फाइट होती है, तो इसलिए गाइस आप लोग इतना ही बार इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हो। तो अब आपको पैसिव स्किल में रख लेना है निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी को। तो गाइस निकिता की एबिलिटी अभी 44 अपडेट के बाद बढ़ा दी गई है। तो गाइस निकिता की एबिलिटी अभी 44 अपडेट के बाद है कि जब आप लोग किसी भी इनेमी को डैमेज करोगे और अगर वो इनेमी आपके डैमेज करने के 10 सेकंड के पहले खुद को मेडकिट से हील करने का ट्राई करेगा, तो गाइस उस इनेमी को 30% कम एचपी मिलेगा। फिर चाहे गाइस वो इनेमी मेडकिट से हील करेगा, सुपर मेडकिट से हील करेगा, इनहेलर से हील करेगा, तो गाइस उसको 30% एचपी कम मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग अपने गन को रिलोड करोगे तो गाइस वो 30% फास्ट रिलोड होगा। और गाइस आप सब इनेमी से फाइट करते हुए क्लोज रेंज में, तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा। तो गाइस फाइट करते हुए जब आपकी मैगजीन खत्म हो जाती है तो गाइस आप लोग गन को रिलोड करते होंगे, तो उसी रिलोडिंग टाइम के समय गाइस आपको इनेमी मार के चल देता होगा, लेकिन अब से इनेमी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब से जो आपका रिलोड स्पीड रहेगा वो गाइस इनेमी से 30% ज्यादा रहेगा। तो गाइस आप जल्दी अपने गन को रिलोड कर सकते हो। और गाइस जब आपको अपने सेकंड पैसिव स्किल रखना है जोसेफ कैरेक्टर को, तो जोसेफ की एबिलिटी इस अपडेट के बाद बहुत खतरनाक बन गई है। और आपको तो पता है कि जोसेफ की एबिलिटी क्या कर सकती है, तो मुझे इसकी एबिलिटी बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटा सा समरी जरूर बताऊंगा। तो अगर आपके पास जोसेफ रहेगा तो गाइस इनेमी आपको साइलेंसर लगा के मार नहीं सकता, ना ही आपको स्किल को ब्लॉक कर सकता है, और ना ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। और अब तो फ्री फायर में ऐसे भी कैरेक्टर आ चुके हैं जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, तो आप लोग उन सबसे बच सकते हो जोसेफ की हेल्प से। तो गाइस इसलिए आपको जोसेफ को रख लेना है। और साथ ही गाइस अगर आपको डैमेज पड़ेगा तो गाइस जोसेफ आपके स्पीड को बढ़ा देगा। और अब थर्ड पैसिव स्किल में आपको रखना है हयातो की एबिलिटी को। तो गाइस हयातो की एबिलिटी से आप लोग सिंपली इनेमी के वेस्ट को पूरा खत्म कर सकते हो, पूरा पेनिट्रेट कर सकते हो। तो इसका स्किल कुछ ऐसे काम करता है, तो अगर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ेगा तो आपका आर्मर पेनिट्रेशन की शक्ति बढ़ जाएगा, आप लोग इनेमी को जल्दी मार सकते हो। और आपके गन का जो बुलेट रहेगा वो गाइस पापी बन जाएगा, क्योंकि उसका जो डैमेज रहेगा जिससे इनेमी का आर्मर पेनिट्रेट होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे आप लोग इनेमी को तुरंत मौत की नींद सुला सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा प्यारा सा कॉम्बिनेशन ओबी 44 अपडेट के बाद। और गाइस अगर आपको इस कॉम्बिनेशन में कुछ कमी लग रही है तो गाइस आप बैकऑफ होकर बताओ मुझे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना और आपका मन करेगा सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।